सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि हमारा जो टायर खराब हो गया था, पुराना हो गया था, मतलब उसका पूरा ग्रिप खत्म हो गया था और नया टायर हमने चेंज किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो हमारा नया टायर जो हमारा चेंज हुआ है, किस तरीके से दिखाई दे रहा है, क्या है उसमें कंडीशन है, कितना अच्छा लग रहा है, सभी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो कि मैं टायर चेंज किया हूँ अभी। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि जो हमारा टायर चेंज हुआ किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे फाइनली मैं यहाँ पे टायर अपना चेंज कर लिया हूँ, और जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पुराना वाला टायर मैं यहाँ पे निकाल दिया हूँ। और जो कि मैं पिछली वीडियो में दिखाया था कि अगर आपके मशीन में ऐसा टायर हो जाता है तो आपको चेंज करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर टायर देख सकते हैं। और जो कि जो हमारा यहाँ पर अभी नया वाला टायर है, यहाँ से आप देख सकते हैं कितना शानदार यहाँ पर लग रहा है, जो कि अभी फिटिंग करके लाया हूँ, देख सकते हैं। जब भी आपके मशीन के टायर में इस तरीके से जो यहाँ पर दिखा रहा था, मतलब ख़राब हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ऐसा पड़ जाता है, पूरा यहाँ पे इस तरीके से टायर फट जाता है, तो आपको पूरा चेंज कर देना है। मतलब दोनों टायर जो जो जिस टायर में इस तरीके का कंडीशन हो जाए चेंज करने लायक, तो आपको चेंज करना है। अगर चेंज नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, कभी ये ब्लास्ट भी हो सकता है अगर चेंज नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा नया वाला टायर जो कि अभी इतना यहाँ पर शानदार इतना फिट हो गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।